ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा चैप्टर, ये सीजी बोर्ड का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, हीट एंड टेम्परेचर। तो आप लोगों को सबको ये पता तो है कि जैसे कि वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हॉट और कोल्ड, ये हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, है कि नहीं? अगर हम लोग बोल रहे हैं हॉट या कोल्ड, तो सिर्फ हॉट या कोल्ड बोलने से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नहीं बता सकते कि वो कितना ज्यादा हॉट है या कितना ज्यादा कोल्ड है। और हॉटनेस और कोल्डनेस हमारी डेली लाइफ में कैसे इम्पोर्टेंस रखती है कि जैसे फूड को फ्रेश रखना है तो हम उसको कहाँ रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि वो फूड हमारा फ्रेश रहे। हमको कुकिंग करनी है तो कुकिंग करने के लिए हमको टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए रहता है ताकि हम लोग फूड कुक कर सकें। बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हमको फैंस की जरूरत होती है, एयर कंडीशनर की जरूरत होती है ताकि हम अपने आप को कूल रख सकें। और जैसे ही ठंडियाँ आती हैं तो हमको अपने आप को वार्म रखना पड़ता है, तो हमको ब्लैंकेट्स चाहिए होते हैं या फिर हम लोग चादर चाहिए रहता है, स्वेटर चाहिए रहते हैं ताकि हम अपने आप को वार्म रख सकें। और हम चाय पीते हैं तो हम लोग चाय कैसे पीते हैं, हमेशा यूजुअली गर्म पीते हैं ना, जूसेस ठंडे पीते हैं। तो ये सारी चीज़ों में हमारी डेली लाइफ में हॉटनेस और कोल्डनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और हॉटनेस और कोल्डनेस इसलिए भी ज़रूरी होता है हमें हमारी डेली लाइफ में ताकि हमारे जो डेली रूटीन के जो काम है वो बहुत इजीली हो रहे हो जाए। अगर ये सारी चीजें हमारे एक ईज वाले टेम्परेचर में हो रही हैं तो हमारे काम बहुत इजीली होते हैं। तो इसलिए टेम्परेचर रेगुलेशन और हीट हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर दूसरा टॉपिक जो आता है वो है हमारा हॉटनेस और कोल्डनेस, कि हॉटनेस और कोल्डनेस एक्चुअली में होता क्या है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, हॉट एंड कोल्ड आर दीज टू वर्ड्स सफिशियंट टू टेल अबाउट द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि क्या हॉट और कोल्ड सिर्फ एक ऐसे वर्ड है जिससे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बता सकते हैं। कि सिर्फ हम लोग बोलेंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट हॉट है और एक ऑब्जेक्ट कोल्ड है तो क्या ये सफिशियंट होगा ये बताने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा गर्म है या कोई ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा ठंडा है। वो व्हाट वुड यू से आफ्टर टचिंग वार्म वाटर, अगर हम एक वार्म वाटर को टच कर रहे हैं। वार्म वाटर मतलब वैसा पानी होता है जो ना ही ज्यादा गर्म होता है और ना ही ज्यादा ठंडा होता है। तो ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास वार्म वाटर है तो क्या सिर्फ वार्म वाटर बोलने से हमको ये पता चल पाएगा कि वो वाटर एक्चुअली में कितना गर्म है या कितना ठंडा है। इट इज कोल्डर देन हॉट वाटर बट वार्मर देन कोल्ड वाटर। तो मैंने जैसे अभी बताया कि वार्म वाटर क्या होता है, वार्म वाटर यूजुअली क्या होता है, हॉट वाटर से थोड़ा कम ठंडा होता है और कोल्ड वाटर से थोड़ा ज्यादा गर्म। ऑन कीपिंग हॉट मिल्क एट रूम टेम्परेचर यू सी दैट इट बिकम्स कोल्ड आफ्टर सम टाइम। इज इट एज कोल्ड एज द मिल्क टेकन आउट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। अब हम जब एक हॉट मिल्क को रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो ठंडा हो जाता है कुछ टाइम के बाद, पर क्या वो उतना ठंडा होता है जितना हमने रेफ्रिजरेटर में मिल्क रखा है, क्या वो उतना ठंडा होता है? नहीं ना, एग्जैक्टली। तो हम लोग को इसीलिए ये एक टर्म पता होना चाहिए कि टेम्परेचर भी क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या है, कि वो कितना ज्यादा गर्म है, कितना कम गर्म है, कितना ज्यादा ठंडा है, कितना कम ठंडा है। तो जस्ट बाय टचिंग सेंसिंग और सीइंग वी कैन नॉट से हाउ मच हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट रियली इज। अवर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स टेम्परेचर इज नॉट ओनली रिलायबल बट ऑल्सो वेरी लिमिटेड, स्पेशली फॉर इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक पर्पस। नो बडी वुड लाइक टू टच एंड ट्राई टू टेल द एग्जैक्ट टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर। तो इसलिए ये कह रहा है कि सिर्फ छूने से, देखने से और सेंस करने से हम ये नहीं बता सकते कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा और एक्चुअली में कितना ज्यादा ठंडा या गर्म है। तो हमारी जो सेंसिटिविटी टूवर्ड्स टेम्परेचर है वो सिर्फ वो अनरिलायबल है, वो सिर्फ अनरिलायबल नहीं पर वो लिमिटेड भी है, कि हम लोग सिर्फ सेंस करके चीजों का हॉटनेस और कोल्डनेस नहीं बता सकते, स्पेशली जब इंडस्ट्रीज की बात आती है या फिर कोई साइंटिफिक पर्पस के लिए हमको किसी भी चीज को टेस्ट करना है या देखना है उसका टेम्परेचर। तो सिर्फ हम लोग छू के नहीं बता सकते, देख के नहीं बता सकते या सेंस करके नहीं बता सकते, हम किसी बॉइलिंग वाटर में हाथ डाल के नहीं बता सकते कि ये कितना गर्म है या कितना ठंडा है, हमारा हाथ तो जल जाएगा ना। एग्जैक्टली। Ordinarily we express temperature comparatively, but due to above reasons, we had to develop such techniques and instruments by which we could make correct, precise and objective measurements for temperature. तो इसीलिए ये बोल रहा है क्योंकि इतना डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी चीजों का हॉटनेस और कोल्डनेस नापना कि हमको ऐसी टेक्निक्स और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं जो कि एक प्रिसाइज और एक करेक्ट
टेम्परेचर बता सके हमें ऑब्जेक्ट का कि एक्चुअली कितने टेम्परेचर पे है और ये हम छूने लायक है या छूने लायक नहीं है, ताकि हमें ये चीज पता चल सके कि वो वाटर या फिर वो ऑब्जेक्ट हमारे टच करने के लिए, सेंस करने के लिए सुटेबल है या नहीं। तो अब हम नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे बढ़ रहे हैं जो है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर एक्चुअली होता है किसी भी सब्सटेंस, ये डिग्री बताता है हमको कि कोई सब्सटेंस हमारा कितना ज्यादा गर्म है या कितना कम गर्म है। तो टेम्परेचर एक्चुअली हमको क्या बताता है? इट शोज अस द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इधर क्या लिखा है? वी नो दैट हॉट ऑब्जेक्ट्स कैन बी कूल डाउन व्हाइल कोल्ड ऑब्जेक्ट्स कैन बी हीटेड टू। कैन यू टेल सम सच एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर डेली लाइफ? डिस्कस अमंग्स योरसेल्फ। तो हमको ये पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है हमारे पास, तो उसको हम या तो कूल कर सकते हैं, उसका टेम्परेचर कम करके उसको कूल किया जा सकता है, या फिर उसका टेम्परेचर बढ़ा दो तो उसको हीट किया जा सकता है। पर क्या ये हम अपने डेली लाइफ से कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? कोई एग्जाम्पल आपको जो भी पता हो कि डेली लाइफ से कोई एग्जाम्पल, जैसे कि दूध अगर हमारा ठंडा है तो हम क्या करते हैं? उसे गर्म करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? कूलर ऑब्जेक्ट है जिसको हम क्या कर रहे हैं? हॉट कर रहे हैं। फिर वैसे ही अगर कोई गर्म चीज है, कोई गर्म चीज हम लोग तुरंत तो खा नहीं सकते, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं ताकि उसका टेम्परेचर कम हो जाए और फिर वो हमारे कंजम्पशन के लिए यूज हो जाए, है कि नहीं? तो ये सारे कुछ डेली लाइफ से एग्जाम्पल है। आपके पास और भी बहुत सारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब ये डायग्राम देखते हैं हम लोग। एनालाइज द फॉलोइंग डायग्राम एंड स्टेट वेदर हॉट एंड कोल्ड आर टू डिफरेंट डिविजन। अब यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर एक स्ट्रिप दी हुई है, स्ट्रिप में अलग अलग कलर में अलग अलग टेम्परेचर को शो किया गया है। जैसे कि यहाँ पर ऑरेंज कलर है जो कि हॉट बता रहा है, लाइट पिंक कलर है जो कि लुकवार्म बता रहा है, और लाइट ब्लू कलर है जो कोल्ड बता रहा है। ये एरो हमें ये बता रहा है कि हॉटनेस कैसे बढ़ रही है। हॉटनेस नीचे से ऊपर बढ़ रही है, कोल्ड फिर लुकवार्म फिर हॉट। और ये वाला जो एरो है ये हमें बता रहा है राइजिंग लेवल ऑफ कूलनेस, कि हमारी कूलनेस स्ट्रिप के डाउनवर्ड साइड में बढ़ रही है और हॉटनेस हमारी स्ट्रिप के अपवर्ड साइड बढ़ रही है। तो यहाँ पर बोल रहा है कोल्ड वार्म एंड हॉट शोन ऑन द सेम स्केल। हमें कोल्ड हॉट और लुक वार्म जो टेम्परेचर है वो हमको एक ही स्केल में हमको दिख रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हॉट एंड कोल्ड आर नॉट टू डिफरेंट कैटेगरीज, कि हॉटनेस और कोल्डनेस कोई दो डिफरेंट कैटेगरीज नहीं है, पर ये एक वैल्यू है और ये दो वैल्यूज हैं एक सेम मेजरमेंट स्केल में। कोई ज्यादा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है। वी कैन ऑल्सो से दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर हॉट, सम लेसर हॉट वाइल अदर्स हॉटर, और इट कैन ऑल्सो बी से दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड, सम लेसर कोल्ड वाइल अदर कोल्डर। तो ये जो वेरिएशन हमने दिखाई है एक स्ट्रिप में या मेजरमेंट स्केल से, इससे हम लोग ये बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा गर्म है, कि वो गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है, कि कम गर्म है। ठीक है, वैसे ही हम लोग ये बता सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ठंडा है, कम ठंडा है, या बहुत ज्यादा ठंडा है। तो ये सारी जो चीजें हैं हमने जो देखी, मतलब कोल्ड, ल्यूकवार्म और हॉट, ये अलग अलग कैटेगरीज नहीं है, बल्कि ये एक वैल्यूज हैं जो कि एक स्केल में होती है। और यहाँ पर दिया हुआ है हमारे टेम्परेचर का डेफिनेशन। दिस डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर एंड इट्स वैल्यू कीप्स चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। तो ये जो डिग्री होती है हॉटनेस और कोल्डनेस की, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर, जिसकी वैल्यू कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहती है। व्हेन वी कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, देन द ऑब्जेक्ट हैविंग हायर टेम्परेचर इज कॉल्ड हॉट एंड द ऑब्जेक्ट विद लोअर टेम्परेचर इज कॉल्ड कोल्ड। तो जब भी हमको दो ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर को कंपेयर करना है, तो हम लोग ये देखते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट में से किसका टेम्परेचर ज्यादा है। जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो होगा हॉट, और जिसका टेम्परेचर कम होगा वो होगा कोल्ड। तो ये चीज थी पूरी टेम्परेचर के बारे में, कि टेम्परेचर एक्चुअली में क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस होता है। इससे हमको ये भी सीखने मिला कि हॉट कोल्ड और ल्यूक वार्म जो है ये एक वैल्यू होती है टेम्परेचर स्केल में, ये कोई अलग अलग कैटेगरीज नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा है, कोई टेम्परेचर हाई है, तो हम लोग उसको हॉट बोलते हैं, और किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर कम है तो उसको हम लोग कोल्ड बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि हम टेम्परेचर को मेजर कैसे कर सकेंगे। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप हुए हैं, जैसे कि थर्मामीटर है। उसी के बारे में अब हम थोड़ा सा डीप में डिस्कशन करेंगे कि हम टेम्परेचर को मेजर कैसे कर सकते हैं। तो टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड द फॉलोइंग थ्री थिंग्स,
सबसे पहले तो हमको अगर टेम्परेचर को मेजर करना है किसी ऑब्जेक्ट का, तो हमको तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब वो चीजें क्या क्या हैं हम वो देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करे। मतलब अगर ऑब्जेक्ट ही होगा नहीं, अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो हम लोग टेम्परेचर किसका मेजर करेंगे। तो सबसे पहले तो एक टेम्परेचर का होना, सॉरी एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है जिसका हम लोग टेम्परेचर नाप सकेंगे और जो टेम्परेचर की तरफ सेंसिटिव होना चाहिए। मतलब अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसको गर्म होना पड़ेगा, और उसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो उसको ठंडा होना पड़ेगा। और उसका टेम्परेचर चेंज भी होना चाहिए टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने के साथ। तो एक ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है जो कि सेंसिटिव हो टेम्परेचर की तरफ। अ मटेरियल दैट क्लियरली रिप्रेजेंट्स अ चेंज इन दिस प्रॉपर्टी। फिर एक मटेरियल चाहिए जो कि हमको उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में चेंजेस बता सके कि हाँ प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो रही है टेम्परेचर के बढ़ने और घटने से उस मटेरियल, उसकी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। तो एक मटेरियल हमको ऐसा चाहिए। फिर और तीसरी चीज क्या है, अ यूनिवर्सल एंड कॉमनली यूज मेजरमेंट दैट शोज दिस करस्पॉन्डिंग चेंज विद स्पेसिफिक इंक्रीज और डिक्रीज। अ यूनिवर्सल एंड कॉमनली यूज मेजरमेंट, अ यूनिवर्सल और कॉमनली यूज मेजरमेंट का मतलब है कि जैसे हम लोग लंबाई को नापते हैं मीटर्स में, ठीक है, वैसे ही डिस्टेंस को नापते हैं किलोमीटर्स में। तो वैसे ही टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास एक मेजरमेंट स्केल या फिर मेजरमेंट यूनिट होना चाहिए जो कि हमको करस्पॉन्डिंग चेंज इन टेम्परेचर, मतलब जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर में, वो हमको क्लियरली बता सके। वो यूनिट भी होना जरूरी है। तो इफ दिस थ्री कंडीशंस आर फुलफिल्ड देन यू कैन मेक योर ओन थर्मामीटर। थर्मामीटर्स आर यूज इन लेबोरेटरीज, हॉस्पिटल्स, वेदर डिपार्टमेंट्स एक्सेट्रा। तो ये जो सारी तीन कंडीशन है, अगर ये हमारे पास सेटिस्फाई या फुलफिल हो रही है तो इससे हम लोग हमारा खुद का एक थर्मामीटर बना सकते हैं। थर्मामीटर्स कहाँ यूज होते हैं, लेबोरेटरीज में यूज होते हैं। आप देख सकते हैं लेबोरेटरीज में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिसका टेम्परेचर मेजर करते हैं केमिस्ट लोग। फिर वैसे ही हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, यहाँ हर जगह थर्मामीटर का यूज होता है बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए पेशेंट्स का। वैसे ही वेदर डिपार्टमेंट्स में भी थर्मामीटर का यूज होता है, जिससे हमें हमारे एनवायरनमेंट की, हमारे सराउंडिंग की टेम्परेचर के बारे में जानकारी मिलती है। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी में हमको ये बताया गया है कि हम अपना थर्मामीटर खुद अपना खुद का थर्मामीटर कैसे बनाएं। तो इसके लिए हमारे पास सामान क्या क्या होना चाहिए। अ स्मॉल इंजेक्शन बॉटल, अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ एम्प्टी रिफिल, सीजर्स, इंक, टैप वाटर, कैंडल। ये सारी चीजें हमारी रिक्वायर्ड मटेरियल है जो हमको चाहिए होगा हमारे थर्मामीटर बनाने के लिए। अब हमें कैसे बनाना है। मेक अ स्मॉल होल इन द कैप ऑफ द बॉटल यूजिंग द टिप ऑफ अ सीजर। सीजर के टिप का यूज करके हमको उस बॉटल के ऊपर एक होल बनाना पड़ेगा। द होल शुड बी जस्ट बिग इनफ टू लेट द रिफिल पास। रिफिल क्या है, बस एक पाइप के जैसा एक ऑब्जेक्ट है, वो पाइप हमारी बॉटल में इंसर्ट हो जाए। बस हमको उतना ही बड़ा होल करना है हमारे सीजर से उस बॉटल में। नाउ फिल द बॉटल विद टैप वाटर अप टू हाफ एंड ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक। अब हमें हमारी बॉटल में आधी आधी बॉटल तक पानी भरना है और उसमें इंक डालना है ताकि हमको वो वाटर क्लियरली दिख सके कि वाटर लेवल कैसे राइज हो रहा है, उस वजह से हम इसमें इंक डाल रहे हैं। नाउ पुट द कैप ऑन एंड पुश द रिफिल इन साइड सच दैट इट डज नॉट टच द बेस ऑफ द बॉटल। नाउ क्लोज द कैप। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, इसमें कैप लगाना है। कैप के बाद उस रिफिल को इंसर्ट करना है और उसको इस तरीके से इंसर्ट करना है कि जो उसका बेस है रिफिल का वो बॉटल को टच नहीं करना चाहिए। मतलब वो उठा होना चाहिए, बेस में कंप्लीटली टच नहीं करना चाहिए। नाउ क्लोज द कैप, कंप्लीटली सील द कैप बाय ड्रॉपिंग मोल्टन वैक्स फ्रॉम द बर्निंग कैंडल सो दैट नो एयर कैन एस्केप फ्रॉम द बॉटल। हीट योर हैंड्स बाय रबिंग देम टुगेदर एंड कवर द बॉटल विथ योर हैंड्स। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें हमारे पहले तो इसको कंप्लीटली कवर करना है। कि कंप्लीटली कवर हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि बाहर का जो हीट या बाहर का जो टेम्परेचर है वो हमारी बॉटल को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। फिर हमें हमारे हैंड्स रब करने हैं और हमारे हैंड्स रब करके हमें उस बॉटल को कवर करके पकड़ना है हमारे हैंड से, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि डज द लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज इन द रिफिल, व्हाई डिड इट हैपन। दिस टाइप ऑफ टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस इज कॉल्ड अ थर्मोस्कोप। पहले तो हमको ये देखना है कि हमारे हाथ के टेम्परेचर के वजह से क्या इसमें राइज हो रहा है, और हमको इस रिफिल को भी कंप्लीटली कवर करना है ना। इस रिफिल को कंप्लीटली कवर हम कैसे करेंगे, हमें इसमें मोल्टन वैक्स
ड्रॉप करनी है ताकि इसकी जो ऊपर के रिफिल है वो कवर हो जाए और इससे कोई हीट अंदर के मटेरियल को उसका टेम्परेचर को इफेक्ट ना कर पाए। और जैसे ही हम इस बॉटल को हम अपने हैंड से पकड़ेंगे तो क्या होगा, इसमें कुछ हमको चेंजेस दिखेंगे और हमको वो चेंजेस नोट करनी है। तो देखना है हमको कि ये जो टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है जो हमने बनाया है, इसको हम लोग बोलते हैं थर्मोस्कोप। इसको हम लोग थर्मोस्कोप क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट डज नॉट हैव अ मेजरिंग स्केल एज प्रेजेंट इन द थर्मोमीटर। अब हमने नोटिस किया होगा कि थर्मोमीटर में एक स्केल होती है जो कि हमको टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वो हमको मेजरमेंट भी बताता है, पर इसमें हमारे पास एक मेजरमेंट स्केल नहीं है तो इसलिए हम लोग इसको थर्मोमीटर नहीं बोल सकते, इसको हम लोग बोलते हैं थर्मोस्कोप। द चेंज इन टेम्परेचर इज शोन ओनली थ्रू द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द लेवल ऑफ लिक्विड फिल्ड। तो भी जो जो भी चेंज आएगा टेम्परेचर में वो हमको सिर्फ किससे पता चलेगा कि हमारे लिक्विड कितना, लिक्विड के लेवल में कितना राइज हो रहा है और कितना डिक्रीज हो रहा है। लेवल अगर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, लेवल अगर घट रहा है तो हमारा टेम्परेचर मतलब हमारे थर्मोस्कोप का टेम्परेचर कम हो रहा होगा। और ये जो थर्मोस्कोप था इसको सबसे पहले किसने इन्वेंट किया था? गैलीलियो ने। गैलीलियो को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं। बाय प्लेसिंग वार्म हैंड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ थर्मोस्कोप द एयर इनसाइड द बॉटल गेट्स वार्म्ड अप एंड एक्सपैंड्स। एज द बॉटल इज टाइटली सील्ड द वार्म एयर एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन द लिक्विड एंड फोर्सेस इट टू राइज अप इन द स्ट्रॉ। अब ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है या फिर नेक्स्ट पार्ट है ये हमको ये बता रहे हैं कि थर्मोस्कोप वर्क कैसे करता है। हमने जैसे ही हमारे वार्म हैंड्स थर्मोस्कोप के आउटर सरफेस में रखे तो जो बॉटल के अंदर जितनी एयर थी वो वार्म हुई और वो एक्सपैंड हुई। अब क्योंकि बॉटल जो थी हमारी टाइटली सील्ड थी, हीट ना अंदर अंदर से बाहर मतलब और कहीं से बाहर से अंदर नहीं आ सकती, सिर्फ हमारे जो हाथ की हीट है वो ही बॉटल की हीट को अफेक्ट कर रही है। तो जो वार्म एयर थी उसने क्या किया, प्रेशर एग्जर्ट किया किस पे, लिक्विड पे। अब जैसे जैसे प्रेशर एग्जर्ट हुआ तो जब प्रेशर एग्जर्ट होगा तो वो लिक्विड क्या होगा, ऊपर राइज होना स्टार्ट होगा स्ट्रॉ से। मेजरिंग टेम्परेचर थ्रू वॉल्यूमेट्रिक ऑफ अ लिक्विड एक्सपेंशन इज द सिंपलेस्ट मेथड फॉर अस। तो ये बोल रहा है कि लिक्विड के एक्सपेंशन से जब हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं तो ये सबसे सिंपल मेथड होता है हमारे लिए कि टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है ये नापने के लिए। अब इसमें लिखा है कि डॉक्टर्स थर्मामीटर इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल। जो डॉक्टर का थर्मामीटर होता है वो भी सेम प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, बस फर्क ये होता है कि जो थर्मामीटर हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है जो डॉक्टर्स यूज करते हैं उसमें मेजरमेंट दिए होते हैं कि हम क्लियरली हमारा मेजरमेंट नाप सकते हैं कि हमारा टेम्परेचर अभी कितना है फिर कितना बढ़ रहा है थोड़े टाइम बाद टेम्परेचर के बढ़ने से। नोट डाउन द टेम्परेचर ऑफ अ हॉट वाटर सैंड आइस एक्सेट्रा यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब ये बोल रहा है कि जब हम लोग को टेम्परेचर नापना होता है किसी हॉट वाटर का या सैंड का या आइस का तो ये हम लोग किससे नापते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर। दो टाइप के थर्मामीटर्स होते हैं हम लोग पढ़ेंगे आगे, एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर और एक होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो जब हमको इन ऐसे सारे सब्सटेंसेस के टेम्परेचर नापने होते हैं तो वो हम लोग यूजली किससे नापते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर की हेल्प से हम लोग मेजर करते हैं। टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड मेथड ऑफ use of thermometer, see instruments used in practical work section given at the end of the book. तो तुम्हारे book के end में कुछ thermometer और उसका structure दिया हुआ है और method दिया हुआ है कि हम temperature thermometer को कैसे use कर सकते हैं, तो वो practical work में आता है हमारे, तो वो book के end में दिया है तो वो आप लोग refer कर सकते हैं practical work के लिए। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि temperature scales कौन कौन सी होती हैं अलग अलग और वो हमको कैसे, हम लोग कैसे एक टेम्परेचर स्केल से दूसरे टेम्परेचर स्केल में हमारा टेम्परेचर कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जैसे हम लोग डिस्टेंस या फिर हम लोग मान लो लेंथ नापते हैं, मीटर में नापते हैं, मीटर है यूनिट और कौन सा यूनिट है जिसे हम लोग लेंथ नाप सकते हैं, सेंटीमीटर है। वैसे ही टेम्परेचर मेजर करने के लिए भी हमारे पास अलग अलग स्केल्स हैं या फिर यूनिट है। तो जो वो अलग अलग स्केल्स हैं वो है फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। ये तीन स्केल्स हैं जिसमें हम लोग टेम्परेचर नाप सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास तीन थर्मामीटर दिए हुए हैं, एक थर्मामीटर हमको केल्विन स्केल बता रहा है, दूसरा थर्मामीटर में सेल्सियस स्केल डिनोटेड है और तीसरे थर्मामीटर में हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल है।
जो सेल्सियस स्केल है हम लोग उससे बाकी दोनों स्केल का कंपैरिजन करेंगे। तो सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमको बताता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस, कि आइस हमारा किस पॉइंट पे फ्रीज होता है, वो है हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 37.0 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर है, जो होता है हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और यहाँ जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड शो कर रहा है, सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं हम लोग, सेल्सियस भी बोल सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग। और 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, कि वाटर यूजुअली 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है। अब यही चीज अलग अलग स्केल में अलग अलग टेम्परेचर है, जैसे कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है आइस का वो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल हम लोग एक डिजिटल थर्मामीटर यूज कर रहे हैं, डिजिटल थर्मामीटर हम कहीं भी जाते हैं तो कोरोना की वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर चेक हो रहा है, तो वो जो डिजिटल थर्मामीटर है उसमें सेल्सियस स्केल से हमारा बॉडी टेम्परेचर चेक नहीं होता, उसमें हमारा फ़ारेनहाइट से हमारा बॉडी टेम्परेचर चेक होता है। आप देखना कभी उसमें दिखाता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 पॉइंट या फिर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो वो फ़ारेनहाइट में हमारा टेम्परेचर को शो कर रहा है वो डिजिटल स्केल। और वैसे ही फ़ारेनहाइट में बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वाटर का वो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसी चीज को अगर हम लोग केल्विन स्केल में देखें तो केल्विन स्केल में 273 केल्विन दिया गया है किसके लिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस। 310 केल्विन दिया हुआ है नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर, जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है केल्विन स्केल में वो है 310 केल्विन, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो है 373 केल्विन। तो ये थी हमारी तीनों स्केल, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट स्केल। अब जो आगे डिस्क्रिप्शन दिया है वो यही सब है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, कि बॉइलिंग फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब द टेम्परेचर एट विच द वाटर स्टार्ट्स टर्निंग इनटू स्टीम। तो बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि वो एक टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पर वाटर जो होता है स्टीम में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, स्टीम मतलब भाप बनने लगता है, और वो टेम्परेचर हमारा है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है फ़ारेनहाइट स्केल में वो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब ये वो टेम्परेचर है जब वाटर आइस में टर्न होना स्टार्ट हो जाता है। और इस दिस टेम्प दिस डिफरेंस इन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इज डिवाइडेड इनटू 180 सिमिलर डिविजन। अब ये क्या कह रहा है कि जो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में जितनी स्केल्स हैं वो डिवाइडेड है हमारी 180 डिग्री फ़ारेनहाइट के डिविजन्स में, मतलब उसके बीच में 180 सिमिलर डिविजन्स हैं। अगर आप ये स्केल्स को काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, तो ऐसे कितने डिविजन्स हैं, यहाँ पर लाइन्स हैं, 180 डिविजन्स मिलेंगे। सिमिलरली इन सेल्सियस स्केल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मार्क्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मार्क्ड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सेल्सियस स्केल में क्या होता है, मैंने जैसे आपको बताया कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है फ़ारेनहाइट स्केल से, कि फ़ारेनहाइट स्केल में 180 सिमिलर डिविजन्स होते हैं हमारे मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट के बीच में, लेकिन सेल्सियस स्केल में हमारे पास 100 सिमिलर डिविजन्स होते हैं हमारे मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट के बीच में। अब यहाँ पर रिलेशनशिप दिया हुआ है हमारी ये स्केल्स के बीच में, कि टेम्परेचर स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट थर्मामीटर इज इक्वल्स टू टेम्परेचर स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हमको हमारी किसी भी दो स्केल के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी है तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, कि हम एक स्केल का टेम्परेचर स्केल और फ्रीजिंग पॉइंट लें, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट लें, तो ये सिमिलर आएगा किसके, टेम्परेचर स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड स्केल। ठीक है, तो ये हमारा दो स्केल्स के बीच में रिलेशन है। अब इसको यही एक एग्जाम्पल के हेल्प से इसने हमको समझाया है कि हम ये चीज कैसे यूज कर सकते हैं। अवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज सेट टू बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो व्हाट इज इट्स वैल्यू इन सेल्सियस। अब हमको ये दिया हुआ है कि फ़ारेनहाइट में तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, इसकी वैल्यू अब सेल्सियस में कैसी होगी, तो इसको निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज किए। इस फॉर्मूला में क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर स्केल लो माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, तो यहाँ पर वो फ़ारेनहाइट के लिए लिया है और इस साइड वो सेल्सियस के लिए लिया है। तो टेम्परेचर स्केल क्या ले रहे हैं हम लोग, फ़ारेनहाइट ले रहे हैं यहाँ पर, इसलिए एफ आई है।
यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर स्केल क्या ले रहे हैं, सेल्सियस, इसलिए यहाँ पर सी लिया है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है फेरेनहाइट स्केल का, 32 डिग्री फेरेनहाइट। यहाँ पर हम लोग लेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सेल्सियस स्केल जो कि है 0 डिग्री फेरेनहाइट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फेरेनहाइट स्केल है 212 डिग्री, फ्रीजिंग पॉइंट 32। यहाँ पर हम लोग सारे सेल्सियस स्केल के रीडिंग्स लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 है और फ्रीजिंग पॉइंट है 100, सॉरी 0। तो ये सारी वैल्यूज हमको कहाँ से मिली, इस इक्वेशन नंबर 1 से। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग ये निकालेंगे कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो सेल्सियस स्केल में कितना होता है। तो इसको सॉल्व करने से ये कितना आया, ये 212 माइनस 32 किया तो 180 डिग्री आ गया। 180 F माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू C बाय 100। यहाँ पर तो 0 0 था तो इसको हम लोग लेंगे नहीं, और फिर इसको कैंसिलेशन और सॉल्व करने से ये हमको एक इक्वेशन मिल रही है 5/9 इंटू F माइनस 32 इज इक्वल टू C। तो अब हमको ये हमारे को एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल गई है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी हम लोग को फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हम लोग डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, 5/9 इंटू एफ माइनस 32 इज इक्वल टू सी। अब हम जब भी फ़ारेनहाइट का कोई भी टेम्परेचर इसमें डालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सेल्सियस में उसका टेम्परेचर कितना होता है ये हमको पता चल जाएगा। तो जैसे हमको अभी नापना है कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करने पे हमको कितना देगा, तो हम इधर एफ की जगह में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट डालेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी सेल्सियस में उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी 37 डिग्री सेल्सियस। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके इक्वल होता है, 37 डिग्री सेल्सियस इन द नॉर्मल टेम्परेचर, इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन सेल्सियस स्केल। वैसे ही सिमिलर वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, केल्विन स्केल का भी निकाल सकते हैं कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है। तो इधर एक एग्जांपल दिया है कि इफ द टेम्परेचर ऑफ अ रूम इज 0 डिग्री केल्विन, व्हाट इज इट्स टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। तो हम लोग एक तरफ केल्विन के केल्विन की रीडिंग्स लेंगे और एक तरफ सेल्सियस की रीडिंग्स लेंगे। तो केल्विन के लिए क्या लेंगे, यहाँ पर स्केल लिया है, यहाँ पर हमारा फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, सेल्सियस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। जो भी रीडिंग्स हमको पता है वो हम लोग लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या आया, K माइनस 273 इज इक्वल टू सेल्सियस। तो ये हमको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल गई जिससे हम लोग केल्विन में अगर कोई टेम्परेचर दिया है तो उसको हम लोग सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया कि K माइनस 273 इज इक्वल टू C, और K में हमको वैल्यू दी थी 0 डिग्री केल्विन। तो 0 डिग्री केल्विन को हम अपन लोग यहाँ पर रखेंगे कि K की वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे तो हमको C की वैल्यू मिल जाएगी -273। मतलब 0 केल्विन जो होता है वो सेल्सियस स्केल में -273 सेल्सियस के इक्वल होता है, और इसको हम लोग एब्सोल्यूट जीरो भी बोलते हैं। जो -273 सेल्सियस होता है उसको हम लोग एब्सोल्यूट जीरो भी बोलते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बिलो दिस कैन नॉट बी अटेन। इससे नीचे टेम्परेचर हम लोग और अटेन नहीं कर सकते, ये लीस्ट टेम्परेचर है जो हम लोग पॉसिबली अचीव कर सकते हैं। इससे नीचे टेम्परेचर अचीव करना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। Think the temperature of a substance is T. If we divide the substance in two equal parts, does the temperature get divided into two? Similarly, if the temperature of two equal quantities of a substance is T each, does the temperature get double when we both when we add both the quantities? Discuss this with your friends. तो ये क्या बोल रहा है कि मान लो एक सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का टेम्परेचर है T, और अगर हम उस सब्सटेंस को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या ऐसा होगा कि वो जो टेम्परेचर है वो दोनों जो हमने अलग अलग बॉडीज तोड़ी है वो टेम्परेचर भी डिवाइड हो जाएगा, उसका टेम्परेचर कुछ और उसका टेम्परेचर कुछ और। या फिर अगर कोई और हमारे पास मान लो कि कोई और सब्सटेंस है, हमारे पास दो सब्सटेंस है, दो इक्वल क्वांटिटीज के सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर डिफरेंस अलग अलग है, तो अगर हम लोग उन दोनों क्वांटिटीज को ऐड कर देंगे तो क्या हमारा टेम्परेचर में चेंजेस आएगा, ये सारी चीजें हमें डिस्कशन करनी है। तो एक क्विक रिव्यू करते हैं कि आज हमने हमारी क्लास में क्या क्या पढ़ा। आज हमने ये पढ़ा कि जो हॉटनेस और कोल्डनेस है वो हमारी डेली लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखता है हमारे लिए। फिर हमने ये देखा कि हॉट और कोल्ड जो अलग अलग कैटेगरीज नहीं है, बल्कि ये दोनों एक सेम वैल्यू है एक सेम स्केल में। फिर हमने ये देखा कि टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर
हमें बताता है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस कि कोई भी चीज कितनी ज्यादा गर्म है या कितनी कम गर्म है, कितनी ज्यादा ठंडी है या कितनी कम ठंडी है, यह हम लोग टेम्परेचर की वजह से ही बता सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि टेम्परेचर को नापने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट और बहुत सारे डिवाइसेस डेवलप हुए हैं। हमने थर्मोस्कोप के बारे में पढ़ा। थर्मोस्कोप एक एक्टिविटी की जिसमें हम लोग थर्मोस्कोप को घर पे ही बना सकते हैं। थर्मोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिससे जस्ट लिक्विड के लेवल के राइज होने से या लिक्विड के लेवल के फॉल होने से हम लोग ये बता सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। थर्मोस्कोप में कोई डिविजन्स नहीं होते जो कि थर्मामीटर में होते हैं। फिर हमने ये देखा कि थर्मामीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग टेम्परेचर नाप सकते हैं। और तीन टाइप के थर्मामीटर्स और उन तीन टाइप की स्केल्स के बारे में हमने पढ़ा कि कौन कौन सी स्केल्स होती हैं हमारे पास। केल्विन स्केल होती है, सेल्सियस स्केल होती है और फ़ारेनहाइट स्केल होती है। और तीनों स्केल के अलग अलग डिविजन्स के बारे में पढ़ा कि अलग अलग स्केल के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और अलग अलग फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं। हमने ये देखा कि केल्विन स्केल में 373 केल्विन जो होता है वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, 310 केल्विन जो होता है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, 273 केल्विन जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। वैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में, और 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सिमिलरली फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है फ़ारेनहाइट स्केल में, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट स्केल में, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फिर वैसे ही देखा हमने कि फ़ारेनहाइट स्केल में 180 डिविजन्स होते हैं, सेल्सियस स्केल में 100 डिविजन्स होते हैं मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट के बीच में, और केल्विन स्केल में भी 100 डिविजन्स होते हैं मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट में। फिर हमने ये देखा कि हम लोग एक टेम्परेचर स्केल से दूसरे टेम्परेचर स्केल पे टेम्परेचर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप ज्यादा फॉर्मूले मगअप करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें सिर्फ ये फॉर्मूला पता है तो इससे हम लोग सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी दो स्केल के बीच में कन्वर्जन इस फॉर्मूले से पॉसिबल है। तो फॉर्मूला क्या है? टेम्परेचर स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट थर्मामीटर इज इक्वल्स टू टेम्परेचर स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अदर थर्मामीटर। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे जिसमें हमने क्या किया, फ़ारेनहाइट में हमें हमारे पास टेम्परेचर था 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसको हमने किसमें सेल्सियस में कन्वर्ट किया इसी फॉर्मूले के हेल्प से, जिससे हमको एक शॉर्ट फॉर्मूला भी मिला। ये शॉर्ट फॉर्मूला क्या था हमारे पास? ये शॉर्ट फॉर्मूला है हमारे पास ये 5/9 एफ माइनस 32 इज इक्वल्स टू सी, जिससे हम लोग ये बता सकते हैं कि हम लोग डायरेक्टली फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला आया जिसे हम लोग केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि के माइनस 273 इज इक्वल्स टू सी, ये है वो फॉर्मूला के माइनस 273 इज इक्वल्स टू सी। तो इसमें हम लोग अगर केल्विन की रीडिंग डालेंगे या केल्विन का टेम्परेचर डालेंगे तो हमको सेल्सियस स्केल में हमारी टेम्परेचर्स पता चल जाएंगे। तो अब फिर हमने ये डिस्कशन किया कि ये आपको एक बार घर पे देखना है, ट्राई करके आप एक एक्टिविटी परफॉर्म करिएगा। एक छोटा सा कोई भी सब्सटेंस लीजिएगा, उसका एक टेम्परेचर इक्वल रखिएगा, उसको दो इक्वल पार्ट पे तोड़ के देखिएगा और ये देखिएगा कि अगर जब आप उस ऑब्जेक्ट को ब्रेक कर रहे हैं तो क्या टेम्परेचर डिवाइड हो जा रहा है उन दोनों में, ऐसा होता है क्या? और प्रैक्टिकली आप ये करके फिर रीजन बताइएगा। दो क्वांटिटीज या दो ऑब्जेक्ट ऐसे लीजिएगा जिसके टेम्परेचर अलग अलग हो और फिर उनको आप ऐड करिएगा और फिर ये देखिएगा कि क्या टेम्परेचर डबल हो जाता है उन दोनों क्वांटिटीज को जब हम ऐड करेंगे तो क्या टेम्परेचर डबल हो जाएगा, कम होगा, ज्यादा होगा, ये क्या होगा, और इसके बारे में आप अपने फ्रेंड से डिस्कशन करिएगा। फिर हम लोग कल नया टॉपिक हमारा स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक हमारा है हीट और हम लोग देखेंगे कि हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है, हीट क्या होता है और टेम्परेचर क्या होता है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, अपन कल डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।